तो आप देख रहे हैं वाइज द फैमिली न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ महक। बात करें एमपी के मौसम के हाल की तो मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री होने के बाद से ही कई जिलों में लगातार बारिश जारी है। वर्तमान में दो वेदर सिस्टम एक्टिव है जिसके कारण मध्य प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते नर्मदापुरम नदी नाले उफान पर आ गए हैं। यहाँ पर भी मौसम विभाग ने आज प्रदेश के ज्यादातर हिस्से में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है और कुछ जगहों पर हल्की से मध्य बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इंदौर कृषि महाविद्यालय के मौसम विशेषज्ञ रंजीत वानखेड़े ने बताया कि प्रदेश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में दो वेदर सिस्टम एक्टिव है, एक सिस्टम बंगाल की खाड़ी में एक्टिव है और दूसरा गुजरात के मध्य क्षेत्र में सक्रिय है। उन्होंने बताया कि फिलहाल दक्षिण पश्चिम हवाओं के रुख के चलते अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में लो प्रेशर एरिया बना हुआ है और जिससे निमाड़ समेत प्रदेश के ज्यादातर हिस्से में भारी बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना है। वही मौसम विभाग ने मालवा में आने वाले जिलों में भी येलो अलर्ट जारी किया है। बता दें कि प्रदेश में बारिश के चलते जगह जगह नदी नाले उफान पर आ गए हैं। इससे लोगों को अपने आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये था अब तक अपडेट। लगातार हर छोटी से बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ फैमिली के साथ। जय हिंद, जय भारत।